Okay, good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. So yesterday we did questions. Good morning. We did questions up to question number 15, right? Today we are up to question number 16. तो क्वेश्चन नंबर 16 वैसे मैंने होमवर्क दिया था और वहां पे मैंने आपको कहा था कि बेटा आप ए क्यूब पहले उसको डिस्कस करते हैं. कल मैंने कुछ आपको एक टास्क दिया था, मैंने कहा था कि ए क्यूब को आप ए इंटू ए स्क्वायर से एंड ए स्क्वायर इंटू ए दोनों से सॉल्व करके आना. तो ये आपने ट्राई किया घर पे? बोलो, ट्राई किया किसी ने घर पे? यस सर. तो ट्राई किया तो दोनों से सेम मैट्रिक्स आंसर आ रही है या डिफरेंट आ रही है? सर सेम आ रही है. सेम आ रही है. यहाँ से जो ए क्यूब मिला और यहाँ से जो ए क्यूब मिला, दैट इज एग्जैक्टली द सेम. अब अपन कुछ डिस्कस करते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, ऐसा हमने सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो फिर a इंटू ए स्क्वायर, मान लो a कोई मैट्रिक्स है, a स्क्वायर कोई मैट्रिक्स है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो फिर इनका प्रोडक्ट उल्टा फुल्टा करने पे सेम मैट्रिक्स क्यों आंसर आ रही है? सोचा आपने इस बारे में भाई क्यों हो रहा है ऐसा? सर क्योंकि इसलिए कि a की मैट्रिक्स है. a की मैट्रिक्स, देखो वो आप रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हो कि ए की मैट्रिक्स हो ना तो फिर है ना उल्टा फुल्टा सेम होगा, लेकिन लॉजिकली कुछ और भी सोचो. देखो अब ध्यान से सुनना मैं आपको क्या कह रहा हूं. कॉम्यूटेटिव नहीं होने का मतलब बताओ. कॉम्यूटेटिव नॉट कॉम्यूटेटिव होने का मतलब बताओ, कौन बताएगा? नॉट कॉम्यूटेटिव, बोलो. नॉट कॉम्यूटेटिव होने का मतलब बताओ बच्चों. बोलो कि सर a प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल नहीं है, या फिर ए बी बी ए के इक्वल. मल्टीप्लिकेशन के केस में बताओ. ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए. ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. एडिशन में तो होता है ना कॉम्यूटेटिव, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है वहां, तो वहां तो हम नॉट कॉम्यूटेटिव नहीं लिख सकते, वहां तो हम कॉम्यूटेटिव लिखेंगे. लेकिन प्रोडक्ट के केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तभी तो हम लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कभी भी नहीं हो सकता या जनरली नहीं होता? कभी भी ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो सकता, ये है नॉट कॉम्यूटेटिव होने का मतलब, या जनरली नहीं होता है, ये है नॉट कॉम्यूटेटिव होने का मतलब? जनरली नहीं हो सकता. अरे a इंटू बी किसी एक्सेप्शनल केस में b इंटू ए के बराबर हो जाता है. मैंने आपको कहा था कि कई बार हो जाएगा तो वो इत्तेफाक से होगा, लेकिन उसको हम ये नहीं मान लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है. तो आप ये सोचो कि कॉम्यूटेटिव तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होता नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है कि होता है, लेकिन इत्तेफाक से एक्सेप्शनल केस में कभी हो भी सकता है. लेकिन वॉट अबाउट एसोसिएटिविटी, वो कैसे भूल गए आप? एसोसिएटिव तो हमेशा होता है ना प्रोडक्ट, होता है नहीं होता है? एसोसिएटिव तो हमेशा होता है कि नहीं होता है? बोलो. प्रॉपर्टी yes, होता है. होता है. तो अगर मैं ए क्यूब को a इंटू ए लिखूं, तो मैं a इस पूरी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं और मैं इस पूरी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, यस और नो? ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं. इसका मतलब हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, इसका मतलब हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर. बोलो बच्चों, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? यस सर. तो इसीलिए ए स्क्वायर इंटू ए भी ए क्यूब आता है और ए इंटू ए स्क्वायर भी ए क्यूब आता है और दोनों से सेम मैट्रिक्स ए क्यूब बनती है. भाई वो तो कभी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन ये तो हमेशा लगेगी, इसकी तो गारंटी है ना. यहाँ तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ये चीज तो हमेशा ही लगेगी ना बेटा, समझ गए?
ठीक है भाई, उसमें वो ए ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए आ रहा है अगर बाय द वे, तो आप उसको एक्सेप्शन मान के मान लोगे कि ठीक है इस केस में आ रहा है, वैसे नहीं आता इस केस में आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो एसोसिएटिविटी हमेशा ही अप्लाई करोगे ना आप, तो उस एसोसिएटिविटी के तहत आप ए स्क्वायर इंटू ए और ए इंटू ए स्क्वायर को सेम मान सकते हो ना, क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। तो इसीलिए ए क्यूब को, सारी बातों का सार ये है कि ए क्यूब को हम ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं। जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है, मैं आपको ये बता दूं क्योंकि आपकी बुक ऐसी फॉर्म फॉलो करती है, बाकी अगर आप उसको ऐसे भी लिख दोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, कैसे भी आप कर सकते हो। तो आपने ए क्यूब निकाल लिया होगा दोनों में से किसी भी तरीके से और फिर इसमें प्रूव करके देख लिया होगा, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुई होगी। और ये इक्वल टू ओ आ रहा है, यानी नल मैट्रिक्स आ रहा है, यानी कि जब आप इसको LHS को सॉल्व करोगे तो सारे एलिमेंट्स ये 3x3 की है, तो 0 0 0 0 0 0 0 and 0 0 0 बन गए होंगे, अगर आपने घर पे किया है तो बने थे क्या, यानी कि वो ओ बन गए होंगे। बोलो, नल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 बन गई होगी वो। बोलो यस और नो, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, वो भी इजी है, सबसे मेन क्वेश्चन इसका मैं मानता हूँ क्वेश्चन नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको फटाफट 17 को निपटाते हैं पहले, वो इजी है काफी, और फिर हम मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 17 इज कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए और एक आई दी हुई है 2x2 की, तो वैसे भी पता है कि इसका फॉर्मेट ये होता है, पर फिर भी उन्होंने दे दिया, आपको के की वैल्यू निकालनी है ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो इस हिसाब से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो पहले हम गिवन पॉइंट्स डाल देते हैं, हियर इट इज गिवन दैट ए इक्वल टू, देयर इज अ 2x2 मैट्रिक्स, 3-2 4-2 और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, वो भी गिवन है तो आप लिख दो 1-0-0 दैट 2 इज ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन है और आपको आपको k की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो एक चीज और गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इन द गिवन पोर्शन, ये भी गिवन है के ए माइनस टू आई एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये चीज आपको निकालनी है। शुरू करें, अरे ये क्या हो गया, यहां तक नोट डाउन कर लो एक बार, हो गया यहां तक नोट डाउन? बोलो बच्चों। अरे यहां तक नोट डाउन हो गया क्या? प्लीज क्लास 12 थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करें, आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो क्लास में, बोल दे सर, एटलीस्ट यू कैन से यस सर मेरा हो गया, एक दूसरे का वेट क्यों करते हो? के इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज अवर क्वेश्चन एंड All the above given things are given in the given portion. चलिए, तो इस equation को satisfy करने के लिए we'll look at this is LHS and we'll look at this is RHS. तो एक बार के लिए हम दोनों को अलग अलग solve कर लेते हैं। LHS solve करो पहले, A square. Now LHS equal to A square. That is A into A. उसमें कोई problem नहीं है, फटाफट से निकाल लो A into A. 3-2, 4-2 and again 3-2, 4-2। तो अब इतनी बार प्रोडक्ट हम कर चुके हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, तो अब आप बताएंगे इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी से बताइए विद इन 1 मिनट।
मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कौन सॉल्व करता है? टू बाय टू की ही बनेगी, दैट इज क्लियर। ये टू से टू कट गया एंड टू बाय टू की मैट्रिक्स जो होगी वो मेरी फाइनल आंसर होगी, फाइनल मैट्रिक्स होगी। जल्दी से बताइए, वन माइनस टू, फोर माइनस फोर, सभी की यही आ रही है क्या? थ्री थ्री या नाइन, माइनस एट वन, करेक्ट। माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू, करेक्ट। ट्वेल्व माइनस एट फोर, करेक्ट। एंड माइनस एट प्लस फोर माइनस फोर, करेक्ट। ठीक है, यही आएगी। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा LHS। अब बात करते हैं RHS की। यहाँ तक नोट डाउन करो पहले। हम नाउ RHS, सो माई RHS वॉज के ए माइनस टू आई, के ए माइनस टू आई। तसल्ली से पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। चाहो तो आप इसको एक इक्वेशन में रख के भी सॉल्व कर सकते हो। भाई आपने लिखा ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस टू आई, आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते जाओ, इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते जाओ, एक जगह आके ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा, वहाँ से आप एलिमेंट टू एलिमेंट कर सकते, वैसे भी कर सकते हो। और चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो कि LHS को अलग कर लो, RHS को पहले आहिस्ता से अलग कर लो। के इन टू ए थ्री माइनस टू फोर माइनस टू ऑफ ऑर्डर टू बाई टू, माइनस ट्वाइस ऑफ वन जीरो जीरो वन ऑफ ऑर्डर टू बाई टू। यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक कोई डाउट नहीं बच्चों? ठीक है जी, चलो मल्टीप्लाई करो। k से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। 3k माइनस टू के, फोर के एंड माइनस टू के ऑफ ऑर्डर टू बाई टू, ऑर्डर नहीं बदलता स्केलर मल्टीप्लीकेशन से। और यहाँ पर भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर नहीं बदलेगा। टू जीरो जीरो टू, एक स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगी, आइडेंटिटी से एक स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ तक करिए नोट डाउन, हो गया यहाँ तक। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो हम क्योंकि एक्सरसाइज में अब आगे आ चुके हैं, तो अब अपन वो वाली चीज़ नहीं करेंगे कि माइनस वन से इसको नेगेटिव करके, वो चीज़ नहीं करेंगे। अब अपन थोड़ा डायरेक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो इसको मैं एलिमेंट टू एलिमेंट अगर सब्ट्रैक्शन करूँ तो ये हो जाएगा 3k माइनस टू पहला एलिमेंट, माइनस 2k माइनस जीरो दूसरा एलिमेंट, 4k माइनस जीरो थर्ड एलिमेंट एंड माइनस 2k माइनस टू इज माई लास्ट एंड फोर्थ एलिमेंट, टू बाई टू। इसमें से जो सॉल्व हो रहा हो वो कर लो। 3k माइनस 2k विल बी सेम 3k माइनस 2k, माइनस 2k माइनस 0 इज माइनस 2k, दिस इज 4k एंड दिस इज माइनस 2k माइनस 2, दैट्स इट। ये हो गया मेरा फाइनल RHS। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? नो सर। अब आप सिंपली LHS RHS को इक्वेट करो एंड इक्वेट करके फिर हम क्या कर देंगे, K की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। कैसे? लेट्स सी नाउ, हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी ए स्क्वायर इक्वल टू, आवाज आ रही है ना मेरी, के ए माइनस टू आई। तो ए स्क्वायर क्या आया था वो यहां लिख दो एंड ये पूरा RHS की वैल्यू यहां लिख दो। RHS की वैल्यू तो ये दिख ही रही है आपको स्क्रीन पे, 3k माइनस टू माइनस टू के, फोर के एंड माइनस टू के माइनस टू ऑफ ऑर्डर टू बाई टू। और ए स्क्वायर देखो ऊपर क्या आया था, वन माइनस टू फोर माइनस फोर, वन माइनस टू एंड फोर माइनस फोर ऑफ ऑर्डर टू बाई टू। तो यहाँ पे अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इजीली, और एलिमेंट टू एलिमेंट क्या कर देंगे हम इसको इक्वेट कर देंगे।
तो चार एलिमेंट्स हैं, चारों एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि मुझे k की वैल्यू चाहिए एंड k की वैल्यू चारों एलिमेंट्स में यहाँ पे k आ रहा है. अगर किसी एक एलिमेंट पे k नहीं आता, मान लो इस पे ये एक माइनस टू ही होता, तो फिर मैं इसको इससे कंपेयर नहीं करता क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट दिख रहा है कि इक्वल है, ठीक है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे k चार बार आ रहा है तो हमको क्या करना है, हमको चारों को कंपेयर करना है एंड चारों से k की सेम वैल्यू आनी चाहिए. अगर चारों से सेम वैल्यू आती है देन दैट इज द वैल्यू ऑफ k. अगर कहीं भी अलग आ गई तो फिर मैं क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ k डजंट एग्जिस्ट या डेटा इनसफिशिएंट. ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपैरिजन, जब एक ही कांस्टेंट या एक ही वेरिएबल से कंपैरिजन हो अलग अलग एलिमेंट्स का, तो वैल्यू सेम मिलनी चाहिए वहां से, नहीं तो हम क्या लिख देते हैं. जैसे एक्सरसाइज वन का भी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था, वहां पे आंसर क्या था, डेटा इनसफिशिएंट या डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू आ रही थी. समझ गए ना बेटा, क्लियर है ना? तो यहां से कंपेयर करो, वन इक्वल टू थ्री के माइनस टू एंड सेकेंड चीज सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करो, माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू के एंड थर्ड फोर इक्वल टू फोर के एंड फोर्थ माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू के माइनस टू. साइमल्टेनियसली चारों को सॉल्व करते जाओ एंड लेट्स सी कि के की वैल्यू क्या क्या आती है, ठीक है. लेट्स सी कैसे, कि यहाँ पे थ्री के की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस थ्री यानी कि थ्री और के की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाय थ्री यानी कि वन. इधर आइए, यहाँ पे माइनस टू के इक्वल्स टू माइनस टू है तो k की वैल्यू माइनस टू बाय माइनस टू दैट इज इजिली वन. यहाँ पे आ जाइए, k की वैल्यू आ जाएगी फोर बाई फोर दैट इज इजिली वन. लास्ट में माइनस टू k की वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर प्लस टू यानी माइनस टू एंड k की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू अपॉन माइनस टू इजिली वन. तो आप चेक करो हर जगह वैल्यू वन आ रही है. ऐसी गलती मत कर देना कि दो में चेक कर लिया कि यार दो में आ रही है तो तीसरी चौथी में तो आएगी आएगी. या कई बच्चे तो इतना आलस करते हैं कि तीन में चेक करने के बाद एक आखिरी को छोड़ देते हैं और वही गलती करवा देते हैं. मान लो आखिरी में टू आ गई तो फिर हमारा आंसर नहीं होगा कि k इक्वल्स टू वन. हमारा आंसर होगा कि द वैल्यू ऑफ k डजंट एग्जिस्ट. चारों में चेक करना है, इवन अगर दस है तो दसों में चेक करना है. वैसे होंगे नहीं दस, पर कहने का मतलब है सब में चेक करना है. अगर k वहां पे इन्वॉल्व है तो, मान लो किसी एलिमेंट में k इन्वॉल्व ही नहीं है तो फिर आप उसको कंपेयर ना करो तो चलेगा. लेकिन जहां जहां के इन्वॉल्व है यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी एलिमेंट व्हाइल इक्वेटिंग टू मैट्रिसेस. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज वन, दैट इज अवर फाइनल आंसर. एनी डाउट? काफी इजी क्वेश्चन था ये, पर मेन चीज यहाँ पे समझने की ये थी कि हमको चारों कंपेरिजन करने है, इसलिए मैंने ये करवाया क्वेश्चन ताकि ये डाउट ही ना रह जाए, क्लियर हो जाए. फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो पूछो. एनी क्वेरी? नो सर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. देखो क्या कह रहा है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सो द क्वेश्चन वाज कि ए एक 2x2 की मैट्रिक्स है, डायगनल एलिमेंट जीरो है, नॉन डायगनल एलिमेंट्स है माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड 10 अल्फा बाय 2 और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, ठीक है. आपको शो करना है कि आई प्लस ए की वैल्यू आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स होगी, ऐसा आपको प्रूव करना है. तो दिखने में क्वेश्चन वैसे इजी है, क्वेश्चन तो वैसे भी इजी है, पर यहाँ पे देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. आप चेक करो कि RHS में अल्फा है लेकिन जब आप a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वहां पे अल्फा अपॉन टू है. दैट मीन्स आपको ईच एंड एवरी एंगल हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू हाफ एंगल, इनको अल्फा बाय टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विच यू हैड लर्नड इन योर क्लास 11th और अभी क्लास 12th में भी हम रिवाइज करके आए हैं कि कॉस अल्फा को हम कैसे हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे और हाफ एंगल में भी फिर 10 वाली फॉर्म में,
टेन वाली फॉर्म में हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन को भी कैसे करेंगे, और ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहले। स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट सबसे पहले मैट्रिक्स ए किस तरह की गिवन है उसको लिख लेते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स है वो, फर्स्ट एलिमेंट इज 0, सेकेंड एलिमेंट इज माइनस ऑफ 10 और एंगल है अल्फा बाय 2, थर्ड एलिमेंट इज 10, पॉजिटिव 10, अल्फा बाय 2 एंड द फोर्थ एलिमेंट इज 0, 2x2। इस तरीके से गिवन है, दिस इज अवर मैट्रिक्स ए। एनी डाउट्स? उसके बाद क्या करना है, हमको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, ये हमारा मेन टारगेट। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ मुझे प्रूव क्या करना है। टू प्रूव ऑब्वियसली आई तो क्या होगा, ऑर्डर 2x2 की मैट्रिक्स होगी, लिख लो चाहो तो, लिखना चाहो तो, वैसे वो अंडरस्टूड होता है। तो आई भी 2x2 की मैट्रिक्स होगी, 1 0 0 1। टू प्रूव करना है मुझे आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए। आवाज आ रही है? मल्टीप्लाइड बाय जो मैट्रिक्स है वो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तीसरा एलिमेंट इज साइन अल्फा एंड द फोर्थ एलिमेंट इज कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली LHS उठा लेंगे एंड RHS उठा लेंगे एंड काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मुझे बताइए LHS क्या है। I प्लस ए, आई प्लस ए का मतलब है I तो है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 1 0 0 1 प्लस एंड व्हाट इज माय A जैसा भी गिवन है वो का वही 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 प्लस 10 अल्फा अपॉन 2 एंड अगेन 0, ऑर्डर 2x2, ऑर्डर 2x2 सेम ऑर्डर है, वी कैन ऐड देम, कर दो ऐड। तो सिंपली थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं हम, 1 प्लस 0 इज 1, 0 के अंदर माइनस 10 अल्फा ऐड करोगे तो वही आएगा माइनस 10 अल्फा एंड 0 के अंदर प्लस 10 अल्फा ऐड करोगे तो वही आएगा प्लस 10 अल्फा एंड 1 के अंदर 0 ऐड करोगे 1। यहां तक बेटा कोई डाउट हो तो बताओ, इससे ज्यादा हम LHS को सॉल्व नहीं कर सकते, इससे ज्यादा स्कोप ही नहीं LHS को सॉल्व करने का, तो उसको हम यहीं पे पुट यहीं पे छोड़ देंगे इतना ही। पर RHS को इससे ज्यादा सॉल्व करने का स्कोप है, RHS को हम आगे भी सॉल्व करें, मतलब वहां स्कोप ज्यादा है सिंप्लीफिकेशन का। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बोलो प्रियांशी। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं RHS की। तो RHS में वी हैव ए वाइडर स्कोप ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू LHS। जितना भी हम RHS को सॉल्व कर पाएंगे उतना हम RHS को करेंगे। आई माइनस ए इज होल मल्टीप्लाइड बाई, ये याद रखना बेटा, यहाँ पे ये आई माइनस ए पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, कहीं आप जल्दीबाजी में केवल ए मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो ऐसा नहीं है। पहले आई माइनस ए निकालो जो कि एक 2x2 की मैट्रिक्स निकलेगी एंड दैट मैट्रिक्स हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, बाद में उसको मल्टीप्लाई करो। क्लियर? तो आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा और फिर है माइनस साइन अल्फा, फिर है प्लस साइन अल्फा एंड लास्ट में वापस कॉस अल्फा।
तो पहला काम है आई माइनस ए निकालना, तो आई माइनस ए निकालते हैं ना, आई विल बी वही सेम टू बाई टू की मैट्रिक्स 1 0 0 1, लेकिन अब की बार इसके बीच में माइनस साइन रहेगा, ए ऑब्वियसली जो गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 प्लस 10 अल्फा बाय 2 अगेन 0 2 बाय 2 2 बाय 2, और ये पूरी चीज एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ देखो मैं इसके आगे बड़ा ब्रैकेट, ये पूरी चीज जो है इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना है, किससे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, और ये भी 2 बाय 2 की है। यहां तक कोई डाउट? ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप गलती से ब्रैकेट लगाना भूल गए तो फिर आप ये गलती कर देंगे कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि इसको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले सब्ट्रैक्शन करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। तो पहले आराम से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 बाय 2 की, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 माइनस 0 एलिमेंट टू एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस देखो 0 फिर माइनस फिर माइनस, तो प्लस 10 अल्फा बाय 2 हो जाएगा वो, थर्ड एलिमेंट में 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, अब की बार थर्ड एलिमेंट में माइनस 10 अल्फा बाय 2 हो जाएगा, एंड फोर्थ एलिमेंट पे 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स सॉल्व हो गई 2 बाय 2। अब इस मैट्रिक्स को आप आराम से मल्टीप्लाई कराओ, जो भी गिवन मैट्रिक्स है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2। तो जब तक ये आई माइनस ए सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप इस मैट्रिक्स को छेड़ोगे नहीं, एज इट इज लिखो, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पे, एंड एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी मैंने थर्ड स्टेप में भी। थर्ड स्टेप में हमारे पास आई माइनस ए का सॉल्यूशन मिल चुका है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई, पहले तो ये देखेंगे मल्टीप्लीकेबल है भी या नहीं है, बिकॉज ये यहाँ का ऑर्डर भी चेक करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ columns of first matrix is exactly equal to number of rows of second matrix, so obviously it is multiplicable and the product will be a matrix of order 2 by 2, right? ठीक है ना, समझ आया? बोलो बच्चों, बोलो बोलो, समझ आया यहां तक? यस सर। ठीक है, अब आगे की कैलकुलेशन के लिए हम एक काम करते हैं, इधर अल्फा बाय 2 है, इधर अल्फा बाय 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेंज दिस अल्फा इनटू अल्फा बाय 2 और 10 में भी चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं, दैट विल बी ए इजियर प्रोसेस टू फॉलो। 1 10 अल्फा बाय 2, एक बार के लिए इस मैट्रिक्स को हम छेड़ते नहीं है, आप चाहो तो उस मैट्रिक्स में अल्फा बाय 2 का जो चेंजेस है वो शुरुआत में भी कर सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप शुरुआत में ही चेंज कर दो, चाहो तो इस स्टेप में चेंज कर दो। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं उसको वहीं पे करता हूँ जहाँ पे जरूरत पड़ती है, अब तक जरूरत नहीं पड़ रही थी इसलिए मैंने उसको अभी तक नहीं छेड़ा था, लेकिन अब छेड़ेंगे। तो आप मुझे बताएंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ के आए हैं, कॉस अल्फा को कैसे चेंज करें ताकि अल्फा बाय 2 भी हो जाए और कॉस का 10 भी हो जाए, बिकॉज यहाँ पे 10 गिवन है और एंगल अल्फा बाय 2 गिवन है, तो बताओ भाई कौन बताएगा कॉस 2 थीटा क्या होता है? सर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन, वेरी गुड, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस, देखो cos, हाँ बोलो बेटा, माइनस, चलो देखो एक बार माइक ऑफ करो, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, हाँ आगे, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, चलो देखो देखो कॉस 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, यस और नो, बोलो गर्ल्स,
बोलो होता है कि नहीं होता है? यस। तो अगर मैं टू थीटा की जगह अल्फा लिख दूंगा तो यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा बाय टू हो जाएगा, यस और नो? टू थीटा का अगर थीटा बनता है तो अल्फा का अल्फा बाय टू बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी, हाफ एंगल में ऐसे कन्वर्ट होगा। तो कॉस अल्फा को हम लिख देते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, ठीक है? माइनस साइन अल्फा, चलो भाई माइनस की जगह तो माइनस लगा ही देना, दैट इज नॉट एन इश्यू। आप ये बताइए साइन टू थीटा को हम टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखते थे, यस और नो? यस सर। तो अब अल्फा है, अब यहाँ पे अल्फा है, तो टू थीटा का अगर थीटा बनता था तो अल्फा का अल्फा बाय टू हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इज दैट क्लियर? और माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देना, इट गेट्स कन्वर्टेड टू माइनस ऑफ टू टेन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा एज इट इज है नीचे, तो नीचे जो हो जाएगा वो बस इधर नेगेटिव में है तो उधर पॉजिटिव में हो जाएगा, टू टेन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, और कॉस अल्फा तो सेम वही हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर। तो एक्चुअली मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टेढ़ा है। ऑर्डर इज टू बाय टू, ऑर्डर इज टू बाय टू। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो। अब इसके एलिमेंट्स भी हाफ एंगल में है, इसके एलिमेंट्स भी हाफ एंगल में, सॉल्वेबल है, मल्टीप्लीकेबल है, एडेबल है, सब्ट्रैक्टेबल है, आसानी से हमको सॉल्व कर सकते हैं। इधर भी टेन है, इधर भी टेन। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एंगल इक्वल है, टेन है कॉस है उसमें तो चलो कोई खास बात नहीं होती है, टेन को अपन साइन बाय कॉस भी लिख देते हैं और कॉस से फिर कॉस सॉल्व हो सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंगल तो मैच हो। तो एंगल यहाँ पे हाफ एंगल था, अल्फा बाय टू था, वहां पे फुल एंगल था। तो पहला काम हमने यही किया कि हमने हाफ एंगल में कहा। अब जब हाफ एंगल में कन्वर्ट कर ही रहे हैं तो फिर हम ऐसा ही कुछ कन्वर्ट करें ना, ताकि टेन में ही चला जाए, क्योंकि उधर टेन में ही तो है। हालांकि कॉस टू अल्फा को आप कॉस में भी चेंज कर सकते हो, साइन में भी चेंज कर सकते हो, टेन में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हमने जानबूझ के टेन में कन्वर्ट किया क्योंकि उधर पहली मैट्रिक्स में टेन है। अब आप एक चीज समझिए यहाँ पे, पहले तो बताओ यहां तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन अगर एंगल डिफरेंट हो तब भी मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना? पर मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा मुझे बताओ? कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स लिख लो, कॉस एक्स इंटू वन बाय कॉस वाई, इससे आप क्या निकाल लोगे? कुछ निकलेगा क्या इससे? लेकिन अगर मान लो यहाँ पर भी cos x होता तो कट जाता ना, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, आगे क्या करोगे? जब एंगल डिफरेंट है तो आगे सॉल्व कैसे करोगे उसको? इसी फॉर्म में भाई cos x इंटू वन बाई cos x को सॉल्व नहीं करके आप cos x अपॉन cos y ही रख दोगे, अब इसके आगे क्या? इसी फॉर्म में रख दोगे, उसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, ठीक है? अच्छा दूसरा एक और हमारे पास रीजन है इसको हाफ एंगल में चेंज करने का, एंड दैट रीजन इज कि हमने एल एच एस को जिस फॉर्म में छोड़ा है उसी फॉर्म में तो आर एच एस को लेके जाएंगे, तो एल एच एस को भी तो हमने टेन और हाफ एंगल में छोड़ा है, चेक करो, तभी तो एल एच एस आर एच एस इक्वेट होंगे। तो इसीलिए आर एच एस को भी हम शुरू से उसी तरीके से मोल्ड करें कि वो भी हाफ एंगल और टेन की फॉर्म में चला जाए। एनी अदर डाउट? ठीक है, कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर यहाँ पे जो टेन अल्फा बाय टू है उसको भी तो चेंज कर सकते थे कोस में। देखो उसको फिर कोस में करूं या साइन में करूं, दो बातें ना, इसको कोस में करूं, साइन में करूं और इवन टेन में करूं, तीनों में चेंज हो सकता है, तो समझ रहे हो?
किस में करूं, फिर वो ज्यादा सोचने वाली बात हो जाएगी कि किस में करूं, फिर आप इस तरीके से सोचोगे कि ये अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अच्छा यहाँ पे साइन है तो चलो इसको साइन नीचे, तो वो ज्यादा उल्टा कॉम्प्लिकेट हो गया। अब हर चीज उसमें हो गई ना, अब हर चीज उसमें हो गई, दैट इज अ बिट इजियर देन द प्रीवियस मेथड कि उसमें हम उसको कॉस में चेंज करें। हमेशा याद रखना बेटा, बड़े से छोटा छोटी चीज आना आसान होता है, छोटे से बड़ी चीज आना उस ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट होता है, लेकिन उससे डिफिकल्ट होता है, होता है कि नहीं होता है। मैं अगर आपको कहूंगा कि 1 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करो, आपको ये चीज आसान लगेगी, लेकिन मैं कहूंगा 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर में चेंज करो तो थोड़ा सा उससे ज्यादा जोर आएगा आपको, मतलब इसको किलोमीटर में चेंज करो, पॉइंट पॉइंट में लाना पड़ेगा आंसर, होता है ना ऐसा, बोलो। तो हम अक्सर तरीका वही चुनते हैं जिसमें से बड़े से छोटा है, ये छोटे को छोटे ही रहने दो, इस बड़े को छोटा कर दो, ठीक है। एनी अदर क्वेरी? नो नो सर। ठीक है जी, अब बात करते हैं इनको सॉल्व करना है हमको ना, तो अब एक चीज सुनो ध्यान से, ये 10α/2 10α/2 ये हर जगह क्या है, बार बार आपको लिखना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब आप रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज बार बार आएगी, तो क्यों ना इसको कुछ मान ले। वो केवल मैं इसलिए मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट केवल इसलिए करूंगा ताकि ये जो बड़ी सारी चीजें मुझे विशाल चीजें लिखनी पड़ रही है, थोड़ा सा स्पेस भी सेव हो जाएगा, और बार बार लिखनी पड़ रही है तो एक तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बार बार ये सारा लिखना 10α/2, स्पेस भी वेस्ट हो रहा है, और थोड़ा सा हैक्टिक सा लग रहा है, हैक्टिक मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिसेस बन गई, तो इसीलिए केवल इस पर्पस के लिए, और कोई पर्पस नहीं है मेरा, बाद में जाके उसको वापस 10α/2 लिख देंगे, ठीक है। केवल इस पर्पस के लिए मैं 10α/2 को इस स्टेप के बाद से टी से संबोधित करूंगा, या टी या कोई भी एक्स, कोई भी चीज आप ले सकते हो, एक्स ले लो वाई ले लो, ताकि क्या हो मेरी थोड़ी मैट्रिक्स थोड़ी सी इजी हो जाए, दैट इज। तो हमारा इस हिसाब से हमारा RHS जो है अब वो थोड़ा सा इस तरह सा बन गया, 1t-t 1 2/2 multiplied by, अब देखो यहाँ पे हम इसको 1+t² 10² α/2 है तो 1+t² 1-t² और यहाँ पे -2t हो गया, देखो -2t 10α/2 था वहां पे और 1+t² एक बार कैलकुलेट कर लें और यहाँ पे +2t फिर वापस t को वही चीज में कन्वर्ट कर देंगे, समझ रहे हो ना बच्चों क्यों कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, यस सर। भाई मल्टीप्लायर ऐड ही तो करना है, तो एक्स को ऐड करूं या उसको 10α/2 लिख के ऐड करूं या टी को ऐड करूं, क्या फर्क पड़ेगा, इजीएस्ट रास्ता मैंने थोड़ा सा चुना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो इजीली तरीके से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले इसको इससे करो आराम से बैठ के आहिस्ता, तो 1 into this। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर वो फर्स्ट कॉलम में सर आपने 1+10² लिख दिया ऊपर। अच्छा अच्छा, उल्टा कर दिया ना, एक मिनट, यहाँ पे तो माइनस है ऊपर नीचे प्लस, अभी ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी, कर दो तो ये भी 1-t² होगा अपॉन 1+t² होगा, प्लस टी से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो बताओ भाई टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t² हो जाएगा ये, है ना, 2t² अपॉन 1+t². द गुड थिंग हियर इज कि सबके डिनोमिनेटर सेम है तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एलसीएम वेलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी, एलसीएम सेम ही हो जाएगा जो डिनोमिनेटर है ना, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइड है। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट की तरफ चलते हैं, तो सेकेंड एलिमेंट में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज आ जाएगी, इट बिकम्स -2t अपॉन 1+t² 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं हुआ, और अब टी को इससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से करो, टी 1 + t यानी कि ये सिंपली टी हो गया, -t×t² यानी टी क्यूब हो गया, करेक्ट, और फिर वही 1+t², दिस इज अवर सेकेंड एलिमेंट। देखो
टी की फॉर्म में लिखने में ही थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो सोचो अगर मैं इस टी की जगह अभी टेन स्क्वायर अल्फा और ये सब लिखता तो कितना ज्यादा हैक्टिक लगता मुझे, और उसमें फिर ज्यादा हैक्टिक चीज में गलती करने के चांसेस भी बढ़ जाते। थर्ड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो माइनस टी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी इंटू वन माइनस टी, माइनस टी इंटू वन माइनस टी, एंड माइनस टी इंटू माइनस टी प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर वही रहेगा वन प्लस टी स्क्वायर, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से करेंगे, वन से करेंगे तो वन से करेंगे तो वही आ जाएगा टू टी। इसमें सर बोलो बेटा, सर टी क्यूब आना चाहिए ना, माइनस टी प्लस टी क्यूब, वन सेकेंड, माइनस टी, वेरी गुड, हाँ माइनस टी प्लस टी क्यूब आएगा, माइनस टी इंटू वन माइनस टी एंड माइनस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आई वॉज सेइंग कि जब आप नोटबुक पे ये चीज सॉल्व करोगे तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जो ये एरर्स हो जाती हैं बीच बीच में, जैसे अभी टी क्यूब वाली एरर हो गई, क्योंकि स्क्रीन पे तो ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है तो कई सारी चीजें मिस हो जाती हैं, छुप जाती हैं, तो नोटबुक पे सॉल्व करने में आपको वो बेनिफिट है कि आपको सारी चीजें आपके सामने ही मिलेंगी, तो वो गलतियां करने के चांसेस आपके लिए कम है, पर फिर भी आपको तो कुल मिला के पूरा ध्यान रखना है। चलिए लास्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस टी को पहले उससे करो और फिर वन को इससे करो, करते हैं, तो माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू टी गिव्स मी माइनस टू टी स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो सेम चल ही रहा है सभी का ही, प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का यही आ जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, सो दैट इज अवर फाइनल मैट्रिक्स। अब इसको ऐड करना है, एक बार प्रोडक्ट तो कर दिया, टू बाय टू ही बनेगी, ऐड कर दो बेटा, तो डिनोमिनेटर तो सेम है ही सही, बस न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, इसको इससे ऐड कर दो, इसको इससे ऐड कर दो, इसको इससे, चेक करो कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर से प्लस टू टी स्क्वायर करेंगे तो सिंगल टी स्क्वायर बचेगा ओनली और वन भी बचेगा, यस ऑर नो, वन प्लस टी स्क्वायर बचेगा और डिनोमिनेटर ऑलरेडी वन प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो एलसीएम सेम ही आएगा ना, सेम है सभी का है। सेकेंड एलिमेंट पे चलते हैं, देखो तो माइनस टू टी और वन माइनस टी स्क्वायर, ये सही किया है क्या, एक्सक्यूज मी गलती है इसमें भी, हाँ बोलो सर, फोर्थ एलिमेंट में प्लस टू टी स्क्वायर होना चाहिए ना, हाँ माइनस टी इंटू माइनस टू टी, बिल्कुल सही, प्लस टू टी स्क्वायर। अब आप सेकेंड एलिमेंट भी चेक करो सही किया है क्या, मुझे सेकेंड एलिमेंट में भी थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है, सेकेंड एलिमेंट में हमने क्या किया, दिस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू टी आया यहाँ पे और इसको इससे करना था ना, देखो है ना, तो t इंटू वन टी आएगा ना, देखो यहाँ पे, और t इंटू सॉरी सेकेंड एलिमेंट में तो फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है, नहीं नहीं सेकेंड एलिमेंट मतलब c वन टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, हाँ तो गलती की है ना फिर, तो वन को पहले माइनस टू टी से मल्टीप्लाई किया, ये सेम आया, टी को मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ चेंजेस करो, टी को मल्टीप्लाई करोगे वन से तो टी बन जा टी, माइनस टी को टी स्क्वायर से करोगे टी क्यूब, सही है बेटा, यस सर। अब ठीक है जी, आगे चलते हैं सेकेंड एलिमेंट पे, क्योंकि वो वहां पे कट ही नहीं रहा था तो इसलिए पता चल गया कि कुछ ना कुछ गलती, अब कट रहा है देखो, माइनस टू टी प्लस टी कुछ तो बन रहा है, माइनस टी बन रहा है, यस सर, प्लस टी माइनस टी और फिर माइनस टी क्यूब है इसे आगे, माइनस टी क्यूब और एलसीएम डिनोमिनेटर वही रहेगा वन प्लस टी स्क्वायर।
चलिए थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ कटेगा, टू टी माइनस टी प्लस टी बचेगा है ना, प्लस टी और प्लस टी क्यूब, टी प्लस टी क्यूब बचेगा राइट, टी प्लस टी क्यूब एंड डिनोमिनेटर ऑब्वियसली सेम वन प्लस टी स्क्वायर। चलते हैं लास्ट एलिमेंट पे, तो टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एक टी स्क्वायर बच जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन राइट, यस सर, डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर, आ जाइए टू बाय टू, देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आप देखें कि ये तो कट गया और ये भी कट गया, वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर कट के वन हो गया, और टी स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस टी स्क्वायर एक ही बात है, तो ये भी वन हो गया। और इधर इन दोनों में आप एक काम करो, टी को कॉमन लो, टी को कॉमन लोगे फिर ये कट जाएगा, ठीक है ना। देखो ये तो ऑलरेडी वन हो गया, यहाँ पे आप माइनस टी को कॉमन ले लो, तो अंदर वही वन प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे ऑलरेडी वन प्लस टी स्क्वायर है ही सही, जो कि कट जाएगा, ठीक है, या फिर काटो मत, ऐसे कैलकुलेशन ऐसे सॉल्व करके नहीं दिखाते ना मैट्रिक्स में, अगली स्टेप में आप करेक्ट वाली चीज लिख देना। और थर्ड एलिमेंट में भी हम क्या करेंगे, प्लस टी कॉमन ले लेंगे, तो वन प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में वन प्लस टी स्क्वायर ऑलरेडी है, और फोर्थ एलिमेंट तो कट ही चुका है, इट इज वन। कोई डाउट यहां तक? नो सर, नो। तो लास्ट स्टेप में आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, वन वहां पे वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया माइनस टी, यहाँ पे वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया प्लस टी एंड प्लस वन। चलिए भाई अब आप सिंपली टी को वापस डी सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आपने कोडिंग करी थी उसकी डी कोडिंग कर दो, वन टी को क्या माना था माइनस टेन अल्फा बाय टू, तो माइनस टी हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाय टू, टी को यहाँ पे प्लस टेन अल्फा बाय टू लिख देंगे हम। तो आपने देखा कि टेन अल्फा बाय टू का आगे कुछ रोल ही नहीं था, वो तो बार बार बस अब हमको लिखना पड़ता टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू, तो काफी सारा कई बार क्या हम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो फोकस नहीं हो पाता हमारा क्वेश्चन में प्लस माइनस करते टाइम, जब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं और एक हमने एक सिंपली एक वैल्यू लिख दी टी। सो अवर एलएचएस एंड आरएचएस हैव कम हैव फिगर्ड आउट टू बी द सेम थिंग, सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और दोनों सेम चीज क्या बनी है वो भी लिख दो, वन माइनस टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू, टू बाय टू की मैट्रिक्स बनी है, हेंस ब्लू, मतलब एल एच एस आर एच एस की जो वैल्यू आई है ना, इक्वल वैल्यू आई है, वो वैल्यू भी लिखते हैं। दिस इज हाउ वी परफॉर्म दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम्स। बताइए बच्चों कोई डाउट? राजा लेट कैसे हो गया आज? सर भूल गए थे टाइम भूल गए थे। हो गया बेटा नोट डाउन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज एक्सरसाइज खत्म करनी है एनी हाउ, ऑलरेडी यस सर, ठीक है चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 इज, ध्यान से पढ़ना, ए ट्रस्ट फंड, एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 पर हैं। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें भी है ना, कैलकुलेशन वाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमको इसको जो मेन चीज है उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम कैसे कन्वर्ट करें वो सोचना है, बस एक बार वो सोच लो, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन लगेगा आपको पूरी एक्सरसाइज का। ए ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000, एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए हैं, डोनेशन वगैरह से आए हुए होंगे, तो उनको उसको दो टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, दो टाइप्स के एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, उनको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो जो पहला बॉन्ड है, या एक तरीके से मान लो जैसे होते हैं ना फिक्स डिपॉजिट वगैरह एफडी वगैरह, ऐसा कोई बॉन्ड है जो उनको ईयरली 5% इंटरेस्ट देता है, और जो सेकेंड बॉन्ड है वो उनको ईयरली 7% इंटरेस्ट देता है।
अब क्योंकि उनको दोनों टाइप्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा थोड़ा जरूरी है, ऐसे उनके कोई रूल्स हैं, तो थोड़ा सा इसमें डालना है, थोड़ा सा इसमें डालना है, 30,000 में से, है ना, मान लो 10 इसमें डाल दिया, 20 इसमें डाल दिया, या 15-15 डाल दिया, वो हमको डिसाइड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को अप्लाई करते हुए, उसको यूज करते हुए आप पता लगाएं हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कि दोनों बॉन्ड्स में 30,000 रुपए को किस प्रकार से हम डिवाइड करें, भाई 10-20 में डिवाइड करें, 15-15 में डिवाइड करें, 5-25 में डिवाइड करें, और बहुत सारे तरीके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं डिवाइड करने के, किस तरह से डिवाइड करें ताकि जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो 1800 रुपए मिलना चाहिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो 2000 रुपए मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को तो एक बार साइड में हटा दो, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको टोटल इंटरेस्ट चाहिए 1800, ठीक है ना, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब ये बी पार्ट है कि हमको 1800 ना मिलके 2000 चाहिए, तो वापस उसकी जो डिवीजन है वो चेंज हो जाएगी, 1800 के हिसाब से जो डिवीजन होगी 2000 रुपए के हिसाब से फिर अगेन एक डिफरेंट डिवीजन होगी। तो उसको सेकंड पार्ट को एक बार साइड में रखो, ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप अपने आप कर लेना। फर्स्ट पार्ट देखो, हमको टोटल इंटरेस्ट जो है 1800 रुपए चाहिए। अब आप खुद सोचो बच्चों, अगर यहाँ पे मैं इसको हटा दूं, बोलो मनीष, इफ आई रिमूव दिस यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यू डू नॉट हैव टू कंसीडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, आपको नहीं सोचना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बारे में, तो क्या ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है या नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन तो आप 7th-8th में करके आए, बताओ, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन से, तो इजी वाला कि हमको 30,000 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसको मुझे कुछ प्रिंसिपल अमाउंट इसको देना है, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट इसको देना है, और टोटल ब्याज मुझे, टोटल इंटरेस्ट सालाना 1800 चाहिए। बोलो तनीषा। यस सर। तो आप बता सकते हो तनीषा, अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को एक बार हटा दूं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे और कैसे सॉल्व करोगे? प्रगति आप बता सकते हो? हाँ बताओ, कैसे? 5/30,000 × 100 ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एनी अदर स्टूडेंट? सर 5/100 × 30,000। तो ये तो फिर आप पूरे 30,000 पे 5% निकाल रहे हो ना, 30,000 में से कुछ अमाउंट पे तो 5% है, ऐसे देखो 30,000 में से कुछ अमाउंट पे तो 5% इंटरेस्ट है, और कुछ अमाउंट, वही तो डिवीजन चाहिए मुझे भाई, कितने अमाउंट पे 5% में इन्वेस्ट करूं और कितने में 7% पे, ताकि टोटल जो इंटरेस्ट है वो मुझे 1800 रुपए मिले। तो हम क्या मान लेंगे, 30,000 में से किसी भी एक को एक्स मान लेंगे, मान लो एक्स रुपीज तो मैंने इस वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, तो बचे हुए जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, समझ आया? अब इसको तो करो 5% से मल्टीप्लाई, 5/100 इतने अमाउंट पे तो 5% ब्याज है प्लस, और बचे हुए अमाउंट पे हमारे पास 7% ब्याज है, बचा हुआ अमाउंट है 30,000 माइनस एक्स, और ये टोटल अमाउंट मिला के 1800 का ब्याज देता है। भाई थोड़ा सा इंटरेस्ट इस वाले इन्वेस्टमेंट से मिला, थोड़ा सा इससे मिला, और टोटल मिला के 1800। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो जो x की वैल्यू होगी वो तो हो जाएगा पहला वाला पार्ट, और 30,000 में से उस x की वैल्यू को माइनस करके वो मिल जाएगा सेकेंड वाला पार्ट। बताओ कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे? बोलो। बोलो गर्ल्स। अरे तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना क्या सोच रहे हो? अभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे मैं गया ही नहीं हूं, अभी तो मैं सिंपली जनरली बात कर रहा हूँ उस क्वेश्चन की। ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, या और कोई तरीका है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, बताओ। बोलो तनीषा। यस सर। हाँ बोलो राजा। सर जो ये एक्स है वो 30,000 का 5% है ना? अरे नहीं बेटा, क्वेश्चन ही नहीं समझे। 30,000 रुपए आपके पास,
मान लो 10,000 पे आपने एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, 20,000 पे आपने दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, ये 5% इंटरेस्ट देता है, ये 7% इंटरेस्ट देता है, बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना मिला आपको। 10,000 का 5% यानी 500 रुपए यहाँ से कमाया आपने, मल्टीप्लाई करोगे और 200 × 7 = 1400 रुपए यहाँ से कमाया, टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया 1900 रुपए, समझ आया। तो ये जो 10,000 और 20,000 का डिवीजन किया है ना, वो डिवीजन पता लगाना है आपको कि अगर आपको टोटल इंटरेस्ट 1800 चाहिए तो ये डिवीजन किस हिसाब से होना चाहिए। अब समझ गए? यस सर। मैंने इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया 30,000 माइनस एक्स, तो 5% निकाला एक्स का, 7% निकाला 30,000 माइनस एक्स का, दोनों को सम करके इक्वेट कर दिया 1800 से। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ गए? यस सर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सारी चीज को मुझे फ्रेम करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। किसमें फ्रेम करना है? मैट्रिक्स में। चलो थोड़ा सा लिखना भी स्टार्ट कर दो ताकि फिर थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होती जाए। तो लिखिए हेयर इट इज गिवन दैट, क्या क्या चीजें गिवन है पहले वो लिख लो। Here it is given that, सबसे पहले तो टोटल अमाउंट कितना है अवेलेबल टू बी इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ₹30,000, उनको गिवन है कि इतना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट, अब इस 30,000 को मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो दो पार्ट्स मुझे सोचने हैं। तो मैं पहले पार्ट को मान लेता हूं x, है ना, एंड दिस अमाउंट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ही है, या टू क्या लिखा है उन्होंने, अमोंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, है ना। हाँ, this amount has to be divided into two parts, has to be invested, likho this amount has to be invested into two types of bonds, invested into two types of bonds which pay, पहला तो देता है 5% इंटरेस्ट एंड सेकेंड देता है 7% इंटरेस्ट पर एनम, एनुअली लिख लो या पर एनम लिख लो, एक ही बात है, एनुअली एक साल में इतना इंटरेस्ट आपको देता है। यहाँ तक लिख लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिया हमने कि टोटल अमाउंट है हमारे पास 30,000 पे, एंड दिस 30,000 पे हैज टू बी इन्वेस्टेड इनटू टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विच पे 5% इंटरेस्ट एंड 7% इंटरेस्ट एनुअल, मतलब बॉन्ड वन मान लो 5% इंटरेस्ट देता है, बॉन्ड टू मान लो 7% इंटरेस्ट देता है। क्लियर है यहाँ तक? सो अब अपन कंसिडर करते हैं, सो लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड वन, let the amount invested in bond 1, bond 2 मान लेते हैं इनको, है ना, bond 1 या bond A, bond B मान लो, चलो वो ज्यादा इजी है, bond A B rupees x, ठीक है, तो उसके हिसाब से therefore the amount invested in bond B हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 30,000 ही अवेलेबल है, इन बॉन्ड बी विल बी ऑटोमेटिकली रुपीस 30,000 माइनस, यहां तक हो गया? बोलो। यस सर। अब इसके बाद मुझे इसको मैट्रिक्स में डालना है। अब मैं मेरी सेल्फ एनालिसिस करता हूं कि अगर ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं होता तो मैं क्या करता, बॉन्ड ए 5% इंटरेस्ट दे रहा है तो एक्स वाले अमाउंट को 5% से मल्टीप्लाई करता,
और बॉन्ड बी यानी कि 30,000 माइनस एक्स वाले अमाउंट को मैं 7% से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से टोटल ब्याज मुझे 1800 मिलता है। ये काम मैं कब करता, जब सिंपल ये क्वेश्चन होता है सिंपल इंटरेस्ट का, यानी कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स का पंगा नहीं होता, तो यही काम करते। बताओ गर्ल्स। यस सर। अब इसी चीज को मुझे ये दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनना, इसी चीज को मुझे दिमाग लगाना है कि कैसे मैं मैट्रिक्स में डालूं ताकि ये की यही इक्वेशन बन जाए, ये की यही इक्वेशन बन जाए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ ऐसा होता है, सम एलिमेंट इंटू सम एलिमेंट, फिर प्लस सम एलिमेंट इंटू सम एलिमेंट, ऐसा करके कोई एक एलिमेंट मिलता है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा ही होता है, होता है नहीं होता है? यस सर। अब आप देखो, आपके पास दो कैटेगरीज है यहाँ पे, एक तो है अमाउंट, दिस इज अमाउंट एंड दिस इज ऑल्सो अमाउंट, और ये है इंटरेस्ट और ये भी इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली जो दो मैट्रिसेस बनेगी, एक बनेगी अमाउंट की और एक बनेगी इंटरेस्ट की, तो अमाउंट वाली मैट्रिक्स में भी दो एलिमेंट्स होंगे और इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स में भी दो एलिमेंट्स होंगे। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें दो एलिमेंट्स हो, या तो वो 2x1 की होगी या 1x2 की होगी, यस और नो? यस सर। दो एलिमेंट्स लाने का और कोई तरीका है नहीं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें दो एलिमेंट्स हो, वो या तो वो मैट्रिक्स इस तरीके की होगी, रो मैट्रिक्स जिसको अपन कहते थे, या फिर वो मैट्रिक्स इस तरीके की होगी, कॉलम मैट्रिक्स, इसको कहेंगे 1x2, इसको कहेंगे 2x1, नो अदर चांस। अब इसका लेकिन इस इन मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक सिंगल एलिमेंट वाला मैट्रिक्स बन रहा है, यानी कि एक 1x1 की मैट्रिक्स बन रही है। तो आप कैसे और उनको किस प्रकार से सेट करो ताकि आपको 1x1 की मैट्रिक्स मिले? तो 1x1 की मैट्रिक्स मिलने के लिए, अगर सपोज करो आप 2x1 को 1x2 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से 1 मैच हो गया, तो ये तो मैट्रिक्स 2x2 की बनाएगा ना, तो आप उल्टा काम करो, आप 1x2 को 2x1 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा काम करते ही 2 से 2 मैच हो गया और आपकी मैट्रिक्स 1x1 की बनेगी। यानी कि किसी भी एक चीज को आप 1x2 की मैट्रिक्स में डालो, चाहे से अमाउंट को डाल दो, चाहे से इंटरेस्ट को डाल दो, आपकी इच्छा है, और किसी भी एक चीज को आप 2x1 की मैट्रिक्स में डालो, और फिर आप ऑर्डर इस तरीके से सीक्वेंस में इनको प्रोडक्ट करो कि 1x2 वाली मैट्रिक्स को आप 2x1 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वहां से आंसर 1800 हो जाएगा। अब देखो करके देखते हैं ये सारी चीज कैसे। नाउ पुटिंग अमाउंट, पुटिंग द अमाउंट, पहले अमाउंट ले लेते हैं और फिर हम ले लेंगे इंटरेस्ट। पुटिंग द अमाउंट इन मैट्रिक्स ए, इन मैट्रिक्स ए, नहीं ए लोगे क्या लोगे, देखो बॉन्ड ए और बी ले लिया तो कंफ्यूज ना हो जाओ, बस कोई बात है, एक काम करेंगे बॉन्ड 1 और 2 ही लिख लो यार, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बॉन्ड 1 जैसे रोमन लेटर में लिख लो, बॉन्ड 2, अब मैट्रिक्स ए लिख लो, पुटिंग द अमाउंट इन मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए को हम किस ऑर्डर की मानेंगे, 1x2, एंड इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट इन मैट्रिक्स बी, इंटरेस्ट इन मैट्रिक्स बी, उसको हम 2x1 की ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में दो दो एलिमेंट रखने हैं, तरीका यही, या तो 1x2 या 2x1। दैट इज, इसका मतलब मैट्रिक्स ए तो हो गई, ए में आपने क्या रखा है, ए को आपने 1x2 की बनाया है। 1x2 कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, 1x2, और उसमें आपने अमाउंट रखा है, तो एक तो अमाउंट है एक्स, एक अमाउंट है 30,000 माइनस एक्स, ठीक है जी, और बी आपने बनाई है 2x1 लाइक दिस, और उसमें आपने रखा है इंटरेस्ट, तो पहला इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और दूसरा 7%। बताओ यहां तो कोई डाउट? अब मल्टीप्लीकेबल तो ये बोथ वेज हैं, ए इंटू बी भी मल्टीप्लीकेबल है एंड बी इंटू ए भी मल्टीप्लीकेबल है, लेकिन हमको इस तरीके से सेट करना है ताकि 1x1 की मैट्रिक्स बने, क्योंकि जो हमको आंसर चाहिए 1800 वो तो एक सिंगल एलिमेंट है,
सिंगल एलिमेंट को आप 2x2 की मैट्रिक्स में कैसे डालेंगे, 1x1 की मैट्रिक्स में डालना पड़ेगा. सो वी विल डू ए इनटू बी, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर 1x1 की मैट्रिक्स बन जाए. क्लियर है यहां तक? नाउ सर. हाँ बोलो बेटा. सर ये तो कम्यूटेटिव है क्या? ये कम्यूटेटिव नहीं है. कम्यूटेटिव तो मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं होता है. दोनों वे से अगर वो डिफाइंड है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो कम्यूटेटिव. आंसर तो अलग अलग आएगा ना. पहली बात तो अलग अलग बनेगा. वहां 1x1 बनेगी मैट्रिक्स, यहाँ पे समथिंग कोई इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी 2x2. तो दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. तो कम्यूटेटिव तो 100% नहीं है. मैं तो ये कह रहा था कि प्रोडक्ट डिफाइंड है. ए इंटू बी भी डिफाइंड है, बी इंटू ए भी डिफाइंड. बट दैट डजंट मीन कि ए बी और बी ए इक्वल है. मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स ए बाय मैट्रिक्स बी टू ऑप्टेन द. अब तीसरी मैट्रिक्स को सी मान लेते हैं और उस मैट्रिक्स का आंसर लिख देता हूं मैं इंटरेस्ट मैट्रिक्स. अच्छा देखो एक चीज रुको, यहां पे ये इंटरेस्ट मत लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो. रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 5% 7% इंटरेस्ट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, ये कर लेना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट. समझ गया ना? क्योंकि आंसर जो आएगा वो है इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट अमाउंट तो वो है ना. रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मैट्रिक्स भी डाला है मैंने. और अब जो आंसर आएगा वो होगी इंटरेस्ट मैट्रिक्स. टू ऑप्टेन द इंटरेस्ट मैट्रिक्स सी, इंटरेस्ट अमाउंट लिख लो, इंटरेस्ट अमाउंट मैट्रिक्स सी. अब जो आएगा इससे वो इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा, उसको सी मान लेते हैं. दैट इज, इसका मतलब सी इक्वल टू या ए इंटू बी इक्वल टू सी, ऐसे लिख लो. और एक लाइन और लिख लो कि यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपको गिवन है. ए पार्ट यहां से शुरू हो रहा है. ऑल्सो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब इतना काम तो आपको बी पार्ट में भी करना है, फिर यहां से चेंज हो जाएगा. ऑल्सो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू रुपीज 1800, ये गिवन है पहले पार्ट में. अब आप इसको एक इक्वेशन में सेट करो, दैट इज ए इंटू बी इक्वल टू सी. ए है मेरा अमाउंट, ये है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है आपका इंटरेस्ट अमाउंट. चाहे से आप पहले ऐसे नहीं समझो तो ऐसे लिख लो कि प्रिंसिपल. नाउ वी नो दैट प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, वहां से हमको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है. यस ऑर नो? सिंपल इंटरेस्ट के यही रूल्स थे कि प्रिंसिपल अमाउंट से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना है. दैट इज, अब इसको आप उसमें पुट करो मैट्रिक्स में. प्रिंसिपल अमाउंट आपने ए मैट्रिक्स में लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने बी मैट्रिक्स में लिया है, और इंटरेस्ट अमाउंट को आपने सी मैट्रिक्स में लिया है. ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है 2x1 या 1x2? 1x2. ए मैट्रिक्स इज 1x2. एक्स 30,000 माइनस एक्स इंटू. बी मैट्रिक्स इज 2x1, 5%, 7%. एंड सी मैट्रिक्स इज सिंगल 1800 टोटल अमाउंट. देखो ये है 1x2, ये है 2x1, 2 से 2 कटा, आंसर इज 1x1. तो ये हमने एक मैट्रिक्स इक्वेशन बना दी. इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट आएगा. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक्स इंटू दिस, 30,000 माइनस एक्स इंटू दिस, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा एक्स इंटू 5%, एक्स इंटू 5% प्लस
30,000 माइनस एक्स इंटू 7%, ये एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगी वन बाय वन की, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके, और उधर ऑलरेडी सिंगल मैट्रिक्स है 1800, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस अप्लाई करो, इधर भी एक एलिमेंट इधर भी एक एलिमेंट, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से ये सीधी सीधी इक्वेशन बन जाती है कि x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इज इक्वल टू 1800। ध्यान से देखो बेटा, शुरुआत में यही इक्वेशन बन रही थी, बस हमने ये सारा झमेला इसलिए किया ताकि हम इस चीज को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से समझा सकें। शुरुआत में यही तो इक्वेशन बन रही थी, अगर हम इसको मैट्रिक्स को हटा के सिंपली देख लेते तो भी तो ये इक्वेशन बनती। इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। तो 100 को एलसीएम ले लेते हैं, 5x प्लस 30,000 इंटू 7 हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x, और 100 LCM लेके उधर पहुंचा देते हैं, तो 1800 इंटू 100 शॉर्ट में कर दिया मैंने थोड़ा सा, इट कम्स आउट टू बी 1,80,000। ठीक है जी, तो 5x माइनस 7x माइनस 2x 1,80,000 माइनus 2,10,000 कितना हो जाएगा, माइनस का 30,000। चेक करो x की वैल्यू, माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से इसको काटोगे तो 15,000। तो x की वैल्यू हो गई 15,000, यानी कि पहले बॉन्ड 1 में आपको 15,000 पे इन्वेस्ट करने हैं और बचे हुए 30,000 में से माइनस करोगे तो भी 15,000 ही आ रहे हैं, यानी कि आपको आधे आधे रुपए इन्वेस्ट करने हैं अगर आपको 1800 का ब्याज चाहिए तो। तो फाइनल स्टेटमेंट विल बी, देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड वन, जो कि हमने एक्स माना था, इट कम्स आउट टू बी रुपीज 15,000 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड सेकेंड, उसको हमने 30,000 माइनस एक्स माना था, 30,000 माइनस 15,000 एक्स की जो वैल्यू है, तो ये भी रुपीज 15,000 आ गए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन को हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 30,000 को हमने आधे आधे हिस्सों में बांट दिया है, ए और बी में, ए बी नहीं मतलब वन एंड टू में, बॉन्ड वन बॉन्ड टू, 15,000 हमने यहाँ बांटे, 15,000 हमने यहाँ इन्वेस्ट किए, इसको 5% ब्याज मिला, इसको 7% ब्याज मिला। चेक करो कितना कितना मिला, 5% कितना होगा 15,000 का, 15,575 यानी 750 रुपये प्लस 15,705 यानी कि 1,050 रुपये ऐड करो, 750 1,050 टोटल 1,800 रुपये ब्याज मिल गया। वो भी तो यही कह रहा था कि 1,800 ब्याज मिलना चाहिए, समझे क्या? ये तो क्रॉस वेरिफिकेशन करने का तरीका है, ये आपको करना नहीं है एग्जाम, एग्जाम में तो यही फाइनल आंसर है, समझे क्या बच्चों? रिप्लाई करें, यस सर। अच्छे से समझ गए? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ऑब्वियसली देखो, इसमें कम ब्याज है और इसमें ज्यादा ब्याज है, तो जितना आपको ज्यादा ब्याज चाहिए उतना पैसा आप सेकंड बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करो और फर्स्ट में से कम करते जाओ, और कम ब्याज चाहिए तो फिर फर्स्ट में बढ़ाते जाओ। आप जैसे सेकंड वाले केस में आपको 2100 कितना 2000 रुपये ब्याज चाहिए, कितना दे रहा है 2000 रुपये, तो आपको इस वाले तरीके से ज्यादा ब्याज चाहिए, 1800 से आपको 200 रुपये ऐड करना है, तो आप कुछ पैसा इसमें से निकाल के उसमें डालोगे, तो यानी फर्स्ट बॉन्ड में अब की बार सेकंड का आंसर जो भी आएगा करके देख लेना आप, सेकंड का आंसर जो भी आएगा वो उसमें फर्स्ट बॉन्ड में कम पैसे होंगे, सेकंड बॉन्ड में थोड़े से ज्यादा होंगे स्लाइटली, यानी कि इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7%
और अब की बार ब्याज आपको 2000 चाहिए, तो सेम वही चलेगा, बस 1800 की जगह 2000 पुट करते जाना, बाकी सेम प्रोसेस हो जाएगा होमवर्क में। बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इसको करके मुझे सेंड करिएगा आज, मैं देखना चाहता हूँ ना कि आप सही करते हो कि नहीं करते हो, सब बच्चे सेंड करेंगे। इसका सेकंड पार्ट होमवर्क करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट तो हो गया होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मतलब वो जो मेन क्वेश्चन होते हैं उसमें लास्ट है, फिर दो ऑब्जेक्टिव है वो तो देख लेंगे ओरली। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज, वापस वही वर्ड प्रॉब्लम आ गई, ध्यान से समझना। एक बुक शॉप है किसी स्कूल का, उसके पास 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स हैं। 10 dozen का मतलब 120 हो जाएगा, एक दर्जन में 12 होते हैं, पता है सभी को? नहीं पता? यस सर। ठीक है, 8 dozen फिजिक्स बुक्स हैं, यानी 8 × 12 96 हो गई फिजिक्स बुक्स, एंड 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक्स हैं, यानी कि 10 × 12 यानी कि वापस 120 हो गई इकोनॉमिक्स बुक्स। ये सारी बुक्स उसके पास हैं, उनकी सेलिंग प्राइस है, जो केमिस्ट्री बुक की सेलिंग प्राइस है एक बुक की है ये 80 रुपये, और फिजिक्स की एक बुक की सेलिंग प्राइस है 60 रुपया, और केमिस्ट्री सॉरी इकोनॉमिक्स की एक बुक की सेलिंग प्राइस है 40 ईच लिखा हुआ है। देखो ईच डजन नहीं लिखा हुआ है, ईच डजन होता तो फिर 12 की प्राइस हो जाती है, ईच लिखा हुआ है मींस एक यूनिट की प्राइस है, एक किताब की प्राइस है, रेस्पेक्टिवली लिख दिया, मतलब पहली सेलिंग प्राइस हो गई केमिस्ट्री की, सेकंड सेलिंग प्राइस हो गई फिजिक्स की, एंड थर्ड सेलिंग प्राइस हो गई इकोनॉमिक्स की। आगे चलते हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। अब ये सारी किताबें बेच दे, केमिस्ट्री की 10 dozen किताबें बेच दे, फिजिक्स की 8 dozen किताबें ये बेच दे, और इकोनॉमिक्स की 10 dozen किताबें, सारी किताबें बेच दे जो जो भी इसकी रेट्स इसने तय कर रखी है, तो टोटल पैसा उसको कितना मिलेगा? टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, लेकिन इसको बताना किससे आपको? मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी वही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाले तरीके से आपको बताना है। अब सपोज करो ये चीज हटा दूं, तो अब तो बेटा ये मेरे हिसाब से फोर्थ क्लास का क्वेश्चन हो गया है, क्लास फोर्थ में वाला बच्चा भी कर देगा इसको, कि 120 किताबें ये हैं, एक किताब की कीमत है 80 रुपया, 120 × 80 हो गया 9600, यहाँ से मिला 96 किताबें वो हैं और उसकी कीमत है 60 रुपया एक की, 0 6 6 36 54 × 3 57 इतना रुपया यहाँ से मिला, एंड लास्ट जो है 120 किताबें आपकी इकोनॉमिक्स की हैं और उसकी कीमत 40 रुपया है, यानी 4800 कितना मिल गया, तो टोटल पैसा कितना मिला? 60 8 × 7 15 × 6 21 रिमाइंडर 2 11 × 5 16 × 4 20, तो 20,160 रुपया उसको टोटल मिलेगा ये सारी किताबें बेचते। तो यही सारी चीज जो आपने अभी सिंपली की, यही सारी चीज अब आपको मैट्रिक्स में करके दिखानी, तो काफी इजी है। देखो एक जगह तो आप क्वांटिटी ले लो एक मैट्रिक्स में, इनटू एक जगह आप सेलिंग प्राइस ले लो, एक जगह क्वांटिटी ले लो एक जगह सेलिंग प्राइस ले लो, तो यहां से टोटल अमाउंट मिलेगा, ठीक है, और टोटल अमाउंट 1/1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, आपको पता लगाना है ना कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो आपको 3 आइटम यहाँ पर है, 3 आइटम यहाँ पर है, तो अगर मैं इसको 1/3 की मैट्रिक्स में डाल दूं क्वांटिटी को, और सेलिंग प्राइस को अगर मैं 3/1 की मैट्रिक्स में डाल दूं, तो 3 से 3 कैंसिल आउट होके जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 1/1 की मिल जाएगी। यस सर। ठीक है, जल्दी से खत्म करो, काफी इजी क्वेश्चन है। हियर इट इज गिवन दैट, पहले गिवन पॉइंट्स डाल देते हैं। क्वांटिटी ऑफ, अच्छा डजन वजन वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, हम सीधे उसको दर्जन में डायरेक्टली दर्जन में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, मतलब हम टोटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वांटिटी ऑफ सबसे पहले है केमिस्ट्री बुक, अच्छा मैथ्स की किताब का क्वेश्चन है और मैथ्स की बुक्स का जिक्र नहीं है, केमिस्ट्री का जिक्र है, फिजिक्स का है एंड इकोनॉमिक्स का। क्वांटिटी ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इज 10 dozen, तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, दैट इज 120, एंड क्वांटिटी ऑफ वॉइस क्लियर है ना बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, समझ आ रहा है ना?
96. Last quantity of economics book. It is again 10 dozen. Means 120 books ही हो गई. यहाँ तक हो गया? Yes, sir. ठीक है. अब selling price हर एक की. Also, it is given that. Selling price of each chemistry book ₹80. Similarly, selling price of each physics book ₹60 या शायद है ना. एंड लास्ट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इकोनॉमिक्स बुक ये 40 है. 80-60-40. क्लियर है यहां तक? यस सर. ठीक है. अब पहले इन दोनों चीजों को, दो क्राइटेरिया है हमारे पास, दोनों को हम अलग अलग ए एंड बी मैट्रिक्स में डाल देते हैं. पुटिंग द क्वांटिटी इन मैट्रिक्स ए, पुटिंग द क्वांटिटी इन मैट्रिक्स ए एंड द सेलिंग प्राइस इन मैट्रिक्स बी. अब तीन तीन चीजें हैं तो 3x1 और 1x3 दो तरीके हैं. तीन आइटम, तीन एंट्रीज लाने के किसी भी मैट्रिक्स में दो ही तरीके हैं, या तो 1x3 के मैट्रिक्स बने या 3x1 के बने. ठीक है. दैट इज ए मैट्रिक्स हो गई आपकी. इसको मैं बनाता हूँ 1x3 की रो मैट्रिक्स बनाता हूँ ना. तो क्वांटिटी है 120, 120, 96, 120. हमेशा जब भी आपको 1x3 की मैट्रिक्स चाहिए तो आप पहली मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स मानेंगे और दूसरी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स मानेंगे. बी हो जाएगा 3x1, क्योंकि हो जाएगा 80, 60, 40. यहां तक कोई डाउट? अब इसको ए इन टू बी कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और आंसर विल बी 1x1 मैट्रिक्स. यहां तक कोई डाउट बेटा? नाउ मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी मैट्रिक्स, द क्वांटिटी मैट्रिक्स ए बाय द सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स बी, the selling price matrix B to obtain the amount matrix. इससे क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा आपको. टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा? टू ऑप्टेन द अमाउंट मैट्रिक्स सी. तो सी मान लेते हैं हम. ठीक है. वी नो दैट जो टोटल अमाउंट होगा वो निकालने के लिए क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई. अब ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से जो हम बचपन में पढ़ते थे कि टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. That is, total amount मैंने माना है C matrix, जो कि 1x1 आएगी. कब आएगी? जब मैं quantity, quantity means
थ्री बाय वन, सॉरी ए मैट्रिक्स लिखने नहीं है, मैट्रिक्स नीचे वाले केस से लिखेंगे हम, ए क्योंकि क्या आएगी थ्री बाय वन आएगी, वो मैं बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा वन बाय थ्री, उल्टा लिख दिया सॉरी, वन बाय थ्री यहाँ है, थ्री बाय वन यहाँ, रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो यहाँ से थ्री इक्वल हो गया, मल्टीप्लीकेबल है और आंसर आएगा वन बाय वन, उसको इस मैट्रिक्स से इक्वेट कर देंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा लेंगे तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। तो सी मैट्रिक्स को निकालते हैं हम, ए मैट्रिक्स लिख लो 120 बेसिक, बी मैट्रिक्स को लिख लो 80 60 वन बाय थ्री बी बाय वन। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए की एंट्री बनेगी इससे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी वो वन बाय वन की बन जाएगी कुछ इस तरीके की, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगी वन बाय वन, तो सॉल्व कर लीजिए ठीक है। तो 120 इंटू 80 9600, चाहो तो पहले इक्वालिटी लगा के चाहो तो मैट्रिक्स से बाहर ले आओ उसको, और चाहो तो पहले मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व कर लो फिर बाहर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36, 3, 9, 54, 57, 48। तो पहले भी हमने यही काम किया था, अगर मैट्रिक्स की बात ना करते तो सिंपली भी हम यही काम कर रहे थे, बस अब उसी काम को मैट्रिक्स के अंदर कर रहे हैं। तो ऐड किया था तो बेटा कितना आया था, 60, 39, 821, 11, 5, 16, 4, 20, यही आया था। सो जो अमाउंट मैट्रिक्स है सी वन बाय वन की, वो आ गई आपकी 20,160 वन बाय वन की। तो इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट कितना आएगा, देयरफोर टोटल अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग ऑल द अवेलेबल इक्वल टू रुपीज, पीछे से आंसर मैच कर लीजिए फटाफट। यस सर सही है, सही है, समझ आया, कोई डाउट? Any sort of doubt, please ask. कोई डाउट नहीं बेटा? बोलो बोलो जल्दी से, बोलो। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कई बार, एक साल छोड़ के एक साल, मतलब अल्टरनेट केस में ऐसे मैंने देखा है पेपर्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, एक साल आते हैं तो अगले साल नहीं आते, अगले साल, अब इस साल तो प्रॉब्लम ये कि पेपर ही नहीं हुए, पेपर ही नहीं हुए, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आपको सब कुछ ही पढ़ना है, क्योंकि यू डोंट नो कि क्या आएगा, हो सकता है जो इस साल के लिए पेपर रेडी हुए थे वैसा ही पेपर दे दें, और हो सकता है चेंज करके दें, तो पैटर्न हम पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, पुराने पेपर सॉल्व करने हैं हमको, ज़्यादा भी नहीं तो 3-4 साल के तो सॉल्व करने हैं, लेकिन हमको सब कुछ पढ़ के जाना है ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए तो इस तरीके से हमको सॉल्व करनी है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। लास्ट टू क्वेश्चंस देखेंगे जल्दी से। अज्यूम, मान लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, 1, 2, 3, 4 5 मैट्रिसेस हैं, पांचों का ऑर्डर दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, एक्स का ये, वाई का ये, जेड का ये, डब्ल्यू का ये एंड पी का ये, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, यानी कि सेम रेस्पेक्ट में इनको ऑर्डर को कंसिडर करना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के हिसाब से फिर दोनों क्वेश्चन है,
21 भी इसी के हिसाब से है, 22 भी इसी के हिसाब से। 21 पढ़ते हैं, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी। अब ये एन के पी कहाँ है, इनके ऑर्डर में कहीं ना कहीं है, देखो एन यहाँ है, के यहाँ है, पी है, इनके ऑर्डर में कहीं ना कहीं लेटर्स है एन के पी, ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये मैट्रिक्स अलजेब्रा डिफाइन हो जाए। डिफाइन होने का मतलब उनका ऑर्डर कुछ ऐसा हो कि ये डिफाइन तो हो जाए। आंसर क्या आएगा उससे हमारा लेना देना नहीं है, डिफाइन करना है हमको। तो देखो मुझे क्या डिफाइन करना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो इसका मतलब है पी इंटू वाई। पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर है लास्ट वाला पी बाय के, स्मॉल पी बाय स्मॉल के। वाई का ऑर्डर क्या है, वाई यानी सेकेंड वाला थ्री बाय के, और फिर इसका जो आंसर आएगा दैट शुड बी, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, डब्ल्यू का ऑर्डर है सेकेंड लास्ट एन बाय थ्री इंटू, और वाई का ऑर्डर वही थ्री बाय के। ये अलजेब्रा डिफाइन हो जाए इस तरीके से मुझे काम करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करो। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड ओनली व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, राइट, यस और नो? अभी मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहां तो ये थ्री थ्री से मैच हो गया, तो यहां तो कुछ सोचने लायक बचा ही नहीं, लेकिन यहां से हमको के की वैल्यू थ्री मिल गई, तो पहला रिस्ट्रिक्शन के के ऊपर लग गया कि के थ्री होगा, के थ्री होगा तो ही ये डिफाइन होगा। तो पहला रिस्ट्रिक्शन मिल गया मुझे के इक्वल्स टू थ्री। आगे चलते हैं, अब ये जो पी वाई प्रोडक्ट आएगा बेटा, पी वाई दैट विल बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी बाय के, यस और नो? प्लस जो डब्ल्यू वाई प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाय के, यस और नो? बोलो, आया ना? यस सर। अच्छा, k की वैल्यू तो आ चुकी है, k की वैल्यू तो आ चुकी है पी वाई, तो ये पी बाय थ्री प्लस डब्ल्यू वाई एन बाय थ्री। अब एडिशन कब डिफाइंड होता है, जब ऑर्डर एग्जैक्टली मैच करता हो। तो एग्जैक्टली ऑर्डर देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स तो दोनों के मैच कर रहे हैं थ्री से थ्री, नंबर ऑफ रोज भी मैच करनी चाहिए, दैट मीन्स पी की वैल्यू एन के बराबर होनी चाहिए, यस और नो? तभी तो एडिशन डिफाइंड होगा। That means second restriction is p equal to n. अब आप चेक करो ऑप्शन में कि ये दो रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आ रहे हैं, k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, p की वैल्यू n होनी चाहिए। ये देखो ऑप्शन नंबर ए, k की वैल्यू 3, p की वैल्यू n। समझ आया? Yes sir. k की वैल्यू 3, p की वैल्यू n। इस तरीके से ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं आधे नंबर के, जो हमको फटाफट फटाफट केवल ऑर्डर देख के हमको सॉल्व। आंसर क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, ऑर्डर को मैच करो और इनकी रिस्ट्रिक्शंस बताओ कि इनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी जब जाके ये डिफाइन होंगे। एन के पी के ऊपर, इन तीनों के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगेंगी जब जाके ये अलजेब्रा डिफाइंड होगा। तो क्या रिस्ट्रिक्शन थी, पहली के की वैल्यू 3 होनी चाहिए और दूसरा पी एन बराबर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर एन और पी बराबर है। अच्छा, अब जब अपन सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट में जो k की वैल्यू 3 आई और p और n बराबर आए हैं, जो भी आया है इनको हम नजरअंदाज कर देंगे, मतलब पहला क्वेश्चन पूरा ही हम इग्नोर करेंगे, हम डायरेक्ट वहां से यहाँ पढ़ेंगे, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन से सीधे यहाँ पढ़ेंगे। 21 में क्या हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अब 22 क्या कहता है कि n की वैल्यू p है ऑलरेडी, तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, 7x माइनस 5z का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो 7 तो स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे बताओ किसी मैट्रिक्स को अगर अपन स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या उसका ऑर्डर बदलेगा क्या? नो सर। नो, तो जो x का ऑर्डर होगा वही 7x का ऑर्डर होगा, 7x का, यानी x का ऑर्डर क्या था 2/n, इसका ऑर्डर हो गया 2/n। और सिमिलरली 5 से z को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो z का ऑर्डर था वही 5z का भी ऑर्डर होगा, बिकॉज स्केलर मल्टीप्लीकेशन से ऑर्डर नहीं बदलता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस से फिर भी ऑर्डर बदल जाता है, बाकी स्केलर से नहीं बदलता। जेड का ऑर्डर थर्ड नंबर वाला 2/p। अब इनका सब्ट्रैक्शन डिफाइन करने के लिए ऑर्डर एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, यस और नो? यस सर। तो 2 से 2 तो मैच कर रहा है, यानी नंबर ऑफ रोज तो 2 है, ये तो फिक्स है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, या तो n होगा या p होगा, तो यानी कि इसका ऑर्डर या तो 2/n होगा या 2/p होगा, दोनों में से एक ही ऑर्डर होगा ना। इसका जो भी आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगी,
वो या तो ऑर्डर 2 बाय एन की होगी या 2 बाय पी, दोनों में से कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 2 बाय एन दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर आंसर। समझ में आया भाई? एन की वैल्यू पी है, एन की वैल्यू पी है और नंबर ऑफ कॉलम्स यही है, नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे एन या फिर पी, और नंबर ऑफ रोज तो डिसाइडेड है, दो ही रोज होंगे उसमें टू, तो ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 बाय एन या 2 बाय पी, दोनों में से जो भी ऑप्शन में, ऑप्शन में मुझे 2 बाय एन दिखाई दे रहा है, दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ आया बच्चों? बोलो जल्दी से, बोलो गर्ल। यस सर। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। इसका वीडियो फिर से वॉच कर लेना, कीप लर्निंग। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, बाय बाय।